क्या आपकी मांग है पहली बात? देखो, ऐसा है, कल हमने सवाई माधोपुर में दर्जनों युवतियों ने और सैकड़ों युवकों ने प्रियंका जी को, जो सबसे बड़ी नेता है, गांधी परिवार की बेटी है, ज्ञापन देने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश में ये कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वहां ज्ञापन लेने के लिए मना कर दिया। और आज आपने भी देखा है, सुना है, महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि ये बलात्कार नहीं। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा लगता है कि सरकार बदनामी के इस डर से अब इस मुद्दे पर, जो निर्भया से कम घटना नहीं है, उतने ही स्तर की घटना है, एक गूंगी भरी युवती को गैंगरेप किया और आपको पता है उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, जो जिंदगी और मौत से खेल रही है। तो कल यहां भी ज्ञापन दिया था, कल हमने यहां भी, जब प्रियंका जी नहीं मिली तो वहां के कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया है। यही ज्ञापन देने के लिए हम सांकेतिक रूप से आज यहां पर आए, धरने पर बैठे। और आज ज्ञापन केवल महिलाएं देंगी, हम तो बाहर बैठे रहेंगे। और चूंकि जब सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो हमारी कल जो हमने मांग भी की थी, नए सिरे से हम मांग करने जा रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। बहुत गंभीर है अपराध, तो आपको पता है आपके इलाके में बहुत बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में, पूरे राजस्थान, दलितों पर अत्याचार पर नंबर एक पर है, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर एक पर है। क्या लगता है कि पूरा मामला घुमाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जब महिला आयोग का बयान उनका सुना, आपने डोटासरा जी का भी बयान सुना, वो हम पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अतिथि देवो भव की परंपरा अपनानी चाहिए। तो पंजाब में अतिथि देवो भव की परंपरा क्यों नहीं अपनाई, जब मोदी जी को वापस जाना पड़ा और मुख्यमंत्री, पूरी सरकार।